हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, अब नाइन्थ क्वेश्चन से पहले एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव था। अब नाइन्थ क्वेश्चन से कौन से शुरू हो रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट के डेरिवेटिव याद करने थे, वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव आपको याद करने पड़ेंगे और अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 − x². ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हैं, ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये आए कैसे? जैसे हमने पढ़ा था लिमिट किसी भी पॉइंट पर एफ डैश सी क्या होता है, सी पर डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ओ सी बाई एच। ठीक है, अब इन सब को सोल्व करेंगे ना, उसके बाद ये आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऐसे आते हैं हर फंक्शन का, जैसे हमने पीछे किया था एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आया था 2x। अब अगर दूसरा तरीका हो इसको निकालने का, लिमिट एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वेयर, एक्स प्लस एच का होल स्क्वेयर माइनस एक्स एफ एक्स एक्स स्क्वेयर बाई एच। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस एच का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वेयर बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या चीज़ को मना रही है, एच को मना रहा है ऊपर से, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच कॉमन ले लिया, कितना बच गया एच प्लस 2x बाई एच, इससे कट जाएगा। अब h की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2x। अब यहाँ पर सीधा एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या बताया था, पावर 2 आगे एक घटा दोगे 2x। ठीक है, अब ये ऐसे ही नहीं आया, ऐसे जो भी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वैसे ही है, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव सभी डेरिवेटिव यहीं से आते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं जो स्टैंडर्ड मेथड डेरिवेटिव का ये। ठीक है, तो बार बार ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालोगे बहुत टाइम लगेगा, सीधा याद रखो कि जो भी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हैं उनको आप सीधा याद रखोगे। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 − x². हम डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस लग जाएगा, −1/√1 − x². डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x². कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस लग जाएगा इसी में, −1/1 + x². डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√x² − 1। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस लग जाएगा, −1/√x² − 1। ठीक है, ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव थे, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स। ठीक है, अब नाइन्थ क्वेश्चन देखो। अब हमने पहले तो साइन इनवर्स के बारे में और थोड़ा जान लो, साइन इनवर्स होता क्या है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, अब साइन एक्स की डोमेन क्या है आर रियल लाइन, रेंज क्या है, साइन एक्स की वैल्यूज क्या आती हैं −1 और 1 के बीच में, ये आपका एफ हो गया साइन एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है इस सेट से इस सेट में आएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा अब इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए फंक्शन का 1/1 और 1/2 होना ज़रूरी है, वो आप पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें वो कुछ भी यूज़ नहीं है, 1/1 1/2 ये सब पहले से ही है। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स का मतलब यही है कि जो साइन एक्स है वो
रियल नंबर से माइनस वन और वन के बीच में आ रहा है, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा माइनस वन और वन के बीच में, और यहाँ पर रेंज आ जाएगी माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक के बीच में, ठीक है। वो सब आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। अब इनवर्स का मतलब समझो क्या है, बस यही है कि फंक्शन उल्टा रिवर्स हो रहा है, ठीक है। ये सब अभी यूज़ नहीं है, बस ये याद रखो इनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हैं, अच्छे से याद करो। इंटीग्रेशन में अगर ये याद होंगे तभी आप इंटीग्रेशन अच्छे से कर पाओगे, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, अब साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स के, अब देखोगे हमें पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है। अब अगर हम x की जगह क्या है ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, x था उसका स्क्वेयर, x की जगह ये, अब इसका स्क्वेयर करोगे 1 माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, फिर अब इसका डेरिवेटिव करोगे, कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो जब भी इस टाइप में फंक्शन आए तो उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके लिए आपको ये 6 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हैं, ये आप एक पेज पर लिख लेना और अच्छे से याद करना। टेन 3 थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा, कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब अगर बाई चांस याद भी नहीं होना तो क्वेश्चन से बन जाएगा, ठीक है। बाहर है साइन इनवर्स, अंदर बनाना है हमने साइन थीटा, तो साइन थीटा कैसे बनेगा, अगर एक्स को मैं टेन थीटा मानता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर, वो क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो हम शुरुआत क्या कर रहे हैं, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स को मान लो टेन थीटा, अब इसमें x की वैल्यू इसमें पुट करो तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। अब 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा पुट करो इसमें, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, y इक्वल टू क्या बचेगा 2 थीटा, ठीक है, y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा यहाँ से दोनों साइड टेन इनवर्स ले लो, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, या फिर टेन को उस साइड ले जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा, ये आप बोल सकते हो। वैसे दोनों साइड टेन इनवर्स लेते हैं तो दोनों साइड टेन इनवर्स लोगे तो टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, इनवर्स से ये कट जाएगा थीटा बचेगा, ठीक। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 2 टेन इनवर्स x। अब डेरिवेटिव करो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाए, ठीक है। फिर से देखो हमने क्या क्या किया है, इस x को इस टाइप में मानना है कि इसका फॉर्मूला बन के अंदर साइन आ जाए, साइन या कोस आ जाए, अगर कोस भी आता है तो उसको किस में चेंज करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है तो चेंज हो जाएगा, साइन या कोस में लेके आओ, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर, तो एक्स को मान लो आप टेन थीटा, तो एक्स को टेन थीटा मान के सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया 2 थीटा बच गया। अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दोनों साइड टेन इनवर्स ले लो, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, इनवर्स से टेन टेन कट जाएगा थीटा बच जाएगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करो टेन इनवर्स एक्स, अब डिफ्रेंशिएट करो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये था आपका 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, वाई इक्वल टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वेयर। अब देखो इसी क्वेश्चन से लग रहा है बाहर टेन इनवर्स है, अंदर 10 बनाओगे, ठीक है। तो 10 कैसे बनेगा, 3x को अगर 10 थीटा मानता हूँ तो 3 टेन थीटा माइनस
टेन क्यूब बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वेयर क्या आ जाएगा, टेन थ्री थीटा के इक्वल आ जाए। लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वेयर थीटा। अब ये किसके इक्वल होता है, टेन थ्री थीटा। वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थ्री थीटा, इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा तो वाई क्या आ जाएगा, थ्री थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, दोनों साइड ले लो टेन इनवर्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, ठीक है। अब इनवर्स से टेन कट जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो वाई इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू थ्री इंटू, अब डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाए, ठीक है। हमें ध्यान क्या रखना है कि बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बनाओ या कोट बनाओ, तो हमें पता है कि टेन का फॉर्मूला अगर यहाँ पर टेन थीटा आ रहा है तो ये बन जाएगा, ये बनते ही टेन थीटा के इक्वल आता है, तो यहाँ से टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, एक्स को माना था टेन थीटा, दोनों साइड इनवर्स ले लो या फिर टेन को उस साइड ले जाओ, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, टेन को उस साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा आ जाएगा, ऐसे ही वैल्यू निकालो, ठीक है। नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन, इलेवेंथ क्वेश्चन, वाई इक्वल टू कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अब वन माइनस एक्स स्क्वेयर, अगर एक्स को हम टेन थीटा मानते हैं तो वन माइनस टेन स्क्वेयर बाई वन प्लस टेन स्क्वेयर हो रहा है, तो कोस टू थीटा आ जाएगा, बाहर है कोस इनवर्स, कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, टू थीटा बचेगा, फिर थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर, सेम है एज इट इज, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नाइन्थ क्वेश्चन किया था वैसे ही, ठीक। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, अब देखो, अब अगर हमें बाहर क्या है साइन इनवर्स, अंदर या तो साइन बनाओ या फिर कोस बनाओ, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो इसको साइन बना दे, लेकिन कोस तो है, वन माइनस टेन स्क्वेयर बाई वन प्लस टेन स्क्वेयर क्या होता है, कोस टू थीटा, उसको कोस को फिर साइन में चेंज कर लेंगे, तो हम मान रहे लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स को मान लिया टेन थीटा, तो इसको वैल्यू इसमें पुट करो, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, y इक्वल टू, अब 1 माइनस टेन स्क्वेयर बाई वन प्लस टेन स्क्वेयर क्या होता है, कोस टू थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स कोस टू थीटा। अब हमें पता है कि कोस साइन x इक्वल टू कोस पाई बाई टू माइनस एक्स होता है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, कोस x इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है, ये वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स कोस टू थीटा को लिख रहे हैं हम, एक्स की जगह आया है टू थीटा, तो इसमें एक्स की जगह टू थीटा पुट कर, कोस टू थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स की जगह टू थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो वाई क्या बच जाएगा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस पुट करो, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, टेन उस साइड ले जाओ, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, वाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब डेरिवेटिव निकालो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, माइनस टू मल्टीप्लाई में एज इट इज लिखो, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव
वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक, सिर्फ साइन इनवर्स है, कोस लेके आओ या फिर साइन लेके आओ, साइन नहीं आ रहा है कोस ले आओ, उसको फिर पाई बाई टू में चेंज करो, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स। ठीक, क्वेश्चन हो गए 12। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है, 13th क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब x को अगर टेन थीटा मानते हैं तो 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर बन जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा को हम कोस में चेंज कर लेंगे, एज इट इज है, सिंपल, जैसे 12th क्वेश्चन है एज इट इज 13th क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देख, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देख, अब साइन इनवर्स ऑफ ये, इनमें से तो नहीं लग रहा है कि ये कुछ बन पाएगा, ये थर्ड देखो फोर्थ। अब अगर हम x को लेट x इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा या कोस थीटा कुछ भी मान सकते हो, इनमें से दोनों के लिए ये सोल्व हो जाएगा। हम x को मान रहे हैं साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इन टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, साइन इनवर्स y इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इन टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, क्या होता है कोस स्क्वेयर थीटा, स्क्वेयर से रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा कोस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर से रूट कट जाएगा कोस थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y क्या बच जाएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, y इक्वल टू, अब डेरिवेटिव कर दो dy by dx। यहाँ तक तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कितना आसान बना सकते हैं, उतना आसान बनाओ, आसान बनाकर हम यहाँ तक लिया है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स के, ये आपका डेरिवेटिव आ जाए। ठीक है, ये फॉर्मूले अच्छे से याद करो, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले हैं बार बार यूज़ होते रहेंगे डिफ्रेंशिएशन में, और आगे आप सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होंगे ये, तो आप अच्छे से याद करो इनको, एक पेज पर जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है अच्छे से लिखो, उनके डेरिवेटिव लिखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव लिखो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th, वाई इक्वल सीकेंट इनवर्स ऑफ 1 बाई 2x स्क्वेयर माइनस 1। देखो बार सीकेंट इनवर्स है, या तो यहाँ पर कोस लेके आओ अंदर या फिर सीकेंट लेके आओ। ठीक है, कोस कोस एक्स क्या होता है 1 बाई सीकेंट एक्स, तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें से कोई एक फॉर्मूला बनेगा, या तो ये या फिर ये। ठीक है, अब लेट एक्स इक्वल टू, अब हम एक्स को अगर कोस थीटा मानते हैं तो क्या बन जाएगा ये एक्स इक्वल टू कोस थीटा, y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, एक्स की जगह कोस थीटा पुट किया एक्स स्क्वेयर हुआ तो कोस स्क्वेयर थीटा हो गया, y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ अब 1 बाई 2 कोस स्क्वेयर 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। अब इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वेयर थीटा, ये उस साइड ले जाएंगे माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा कोस 2 थीटा, ये नीचे क्या आ जाएगा कोस 2 थीटा। ठीक है, फिर से देखो क्या क्या है, 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, अब इस 2 की उधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 कोस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा 2 कोस स्क्वेयर थीटा हो गया। अब ये माइनस, ये इधर प्लस का है उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा माइनस 1, तो कोस 2 थीटा क्या आ गया 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। अब y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ 1 बाई कोस क्या होता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट 2 थीटा, सीकेंट इनवर्स से सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू
टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, तो वाई इक्वल टू टू कोस इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव करो अब, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस टू बाई रूट वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो चुकी है। सारे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव बहुत अच्छे से याद करो, याद करने ही पड़ेंगे, और जो भी ये फॉर्मूले हैं वो याद करो, डेरिवेटिव में यूज़ होंगे, इंटीग्रेशन में यूज होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी यूज होंगे। अकेला चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर 7 नंबर का, तो बहुत अच्छे से याद करने ही पड़ेंगे, आप बच नहीं सकते। ठीक है, एक पेज पर लिखो, अच्छे से याद करो। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।